गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास थर्ड. स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को सी फोर करेक्ट, इन फोर इनकरेक्ट तक करवा दिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें करना है, ये मैंने इसी में कर दिया क्योंकि इसी में आंसर दे देने थे, उसके स्पेस पड़ा था मेरे पास. तो व्हाट डिड द पुअर ब्राह्मण डू फॉर हिज लिविंग. पुअर ब्राह्मण ने अपने जीवन यापन के लिए क्या किया. तो पुअर ब्राह्मण, यहाँ पर पुअर ब्राह्मण, पुअर ब्राह्मण यूज टू बेग फॉर आर्म फॉर हिज लिविंग. उसने अपने जीवन यापन करने के लिए भीख मांगी थी. फिर इसके बाद स्टूडेंट आता है, वेयर डिड ही कीप हिज फूड. उसने अपना भोजन कहाँ रखा था. ही केप्ट हिज फूड फूड इन अर्थन बॉक्स. उसने जो भोजन लिया था उसने अपने एक मिट्टी के बर्तन में रखा था. एंड हंग बिसाइड हिज बेड, और बेड के ऊपर लटका दिया था. ठीक है, वेन डिड ही ईट. उसने कब खाया था. ही एट वेन ही वॉज हंगरी. उसने तब खाया जब वह भूखा था. हाउ मैनी गॉड्स डिड ही हैव इन हिज ड्रीम. उसने अपने सपने में कितनी बकरियों को देखा था. तो ही हैड ए पेयर ऑफ गॉड इन हिज डे ड्रीम. जब उसने दिन में स्वप्न देखा था तो उसने बकरियों का जोड़ा देखा हुआ था. अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे बात करेंगे. तो स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड वन डे. एक दिन ऐसा क्या हो गया था. तो वन डे द ब्राह्मण रिसीव्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पर. एक दिन ब्राह्मण ने बहुत ज़्यादा मात्रा, दलिया की मात्रा बहुत ज़्यादा प्राप्त की थी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ दिया. क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने किया है, तो उसमें लिख रहा है व्हाट डेड द ब्राह्मण ड्रीम. ब्राह्मण का सपना किसके बारे में था. ब्राह्मण स्टार्टेड डे ड्रीम अबाउट द पॉट. पॉट के बारे में था, फुल ऑफ पॉरेज, जो दलिया से भरा हुआ था. इन हिज डे ड्रीम देयर वाज ए फेमन. और उसने देखा था कि अकाल पड़ गया है. एंड ही सोल्ड हिज पॉट. तो उसने अपना बर्तन बेच दिया था. पॉट फुल ऑफ पॉरेज, जो दलिया से पूर्ण रूप से भरा हुआ था. 400 कॉइन का उसने बेच दिया था. जो बर्तन पूरा दलिया से भरा हुआ था उसने उसको 100 सिल्वर कॉइन में बेच दिया था. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया है, ध्यान में रखना. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ रखा है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड ब्राह्मण केक हिज वाइफ इन हिज ड्रीम. ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सपने में लात क्यों मारी. तो ब्राह्मण केक हिज वाइफ, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लात मारी इन हिज डे ड्रीम. नहीं, इन हिज ड्रीम सपने में, बिकॉज क्योंकि शी कुड नॉट हियर हिम शाउट. उसने उसकी उसकी चिल्लाहट को नहीं सुना था, मतलब उसने उसकी तेज आवाज़ को नहीं सुना था. एज शी वॉज, और ऐसे जैसे मानो शी वॉज वेरी बिजी, हुआ बहुत व्यस्त विद हर टॉर्च के साथ. ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट. अब स्टूडेंट मैं आपको और बताऊं, आगे की जो एक्टिविटी बहुत ही मतलब इजी है, आप कर सकते हो. आप लेसन रीडिंग करो और उसकी मदद से आप कुछ भी जो करना हो इसमें कुछ सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो. तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर आप अपने लेसन नंबर 8 है, उसमें आप फेयर कॉपी में इनको नोट कर लेना. थैंक यू सो मच.